वेलकम टू माय चैनल। अभी इवनिंग का वक्त हो रहा है, अब मैं थोड़ी देर में चाय पीऊँगी और आपके साथ बैठ के बात कर कुछ देर बात करूँगी। कुछ लोग मुझे देखकर बिलीव नहीं कर पाते जो मेरा शादी हुई है, मेरा बेटा है। तो हाँ, मेरा जो शादी हुई है 15.5 साल में मेरा शादी हो गई थी। और उसके बाद मैं जब 10th क्लास पास की तब उसके बाद 11th में पढ़ती थी तो अभी मेरा शादी हो गई थी। तो उसके बाद 16.5 साल में मेरा बेटा, बड़े बेटा का जन्म हुआ है। तब तो माँ बनने का कुछ एहसास भी नहीं था। तो मैं घर का काम संभालती थी, पढ़ाई संभालती थी और बेटे को भी संभालती थी। तब तो मेरा हालत बहुत ख़राब थी। और देखते देखते 3 साल बाद मेरा छोटा बेटा का जन्म हुआ है। मेरे 2 बेटे हैं। तो उसके बाद तो और भी हालत ख़राब हो गई, 2 छोटे छोटे बेटे हैं। तो मेरा हालत इतनी ख़राब थी कि मैं अपने आप को कभी आईने में देख भी नहीं पाती थी, ठीक तरह से हेयर ब्रश नहीं कर पाती। तो एक दिन मेरा मॉम मेरे घर पे आए हैं, मेरे मॉम जो हैं एक दिन घर पे आए हैं। तो मुझे कहने लगा, मतलब बालों का ये हालत कैसे हुआ है। तो मेरा बाल ब्रश करने लगा तो ब्रश तो कर नहीं पाया। तब तो मेरा बाल इतना उलझ गई थी कि नॉट जैसा हो गया था। तब तो मेरा बाल काटना पड़ा। फिर मॉम ने ऑयल लगा कर बाल थोड़ा बहुत बाल काट कर तब जाके ठीक हुआ है। तब ऐसे हालत में मेरा बेटा तो धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया और मेरा बड़ा बेटा जो है वो मीडिया में है और मेरा हस्बैंड भी मीडिया कंपनी में है और छोटा बेटा बीटेक करके अभी वो जॉब करते थे। कुछ दिन जॉब किया था लेकिन अब फ्रीलांस करते हैं, घर में ही वो फ्रीलांस का काम करते हैं। तो बस यही है मेरा ज़िंदगी। और मेरा जो घर में हम लोग रहती हूँ तो मेरा बड़ा बेटा जो है वो हमारे साथ नहीं रहते, वो अलग घर में रहते हैं। और इस घर में मेरा मॉम भी हमारे साथ रहती है। मेरा मॉम, मैं और पापा के गुजर जाने के बाद मेरा छोटी बहन का भी शादी हो गई और मेरा भाई दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो गया जॉब लेकर। तो उस टाइम से ही मॉम मेरे साथ रहती थी। कभी कभी बहन का घर भी जाती है और भाई के पास भी जाते हैं। तो मेरे घर में अभी हस्बैंड है, मेरे मॉम है और मेरे छोटे बेटे और मैं, यही 4 मेंबर्स। रोज का ये खाना बनाना, रोज का ये होम मैनेज करना कैसे करती हूँ ये तो आपको दिखाने के लिए मैं सोच रही हूँ, सब दिखाऊंगी। तो उस वक्त मैं पढ़ाई कंप्लीट करके फिर मैंने कुछ दिन नौकरी भी किया, जॉब किया है कुछ दिन। और फिर जॉब पसंद नहीं आया तो मॉडलिंग किया, फिर ग्रुप थिएटर में काम किया। ग्रुप थिएटर में मैं एक्टिंग करती थी, 10 साल मैं ग्रुप थिएटर किया है, स्टेज शो, बाहर भी जाती थी। और फिर बंगाली सीरियल में भी काम किया, हिंदी टेलीफिल्म में भी काम किया और मूवी में थोड़ा बहुत छोटा रोल मैंने किया है। तो इस टाइप तो मॉडलिंग व एक्टिंग करती थी। तब तो मेरा वो
आपको तो बताई थी जो मेरा गालों में जो डार्क सर्कल टाइप पैचेस टाइप आ गया था, तो उस टाइम से मेरा ये एक्टिंग बंद हो गया। अब तो घर में ही हूँ, तो घर का काम आपके साथ शेयर शेयर भी करूँगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इतनी छोटी थी जो मैं भी मेरे दो बेटे के साथ ही बड़ी हुई हूँ। वो लोग भी बड़ा हुआ है और मैं भी उसके साथ ही बड़ी हुई हूँ। तो बस अब तो इवनिंग हो रही है, अब चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद डिनर बनाऊँगी। फिर क्या, सो जाऊंगी और सुबह उठकर फिर खाना बनाऊंगी, घर का काम करूंगी, आपके साथ शेयर भी करूंगी। और हाँ, एक बात, सब कहते हैं मेरा रिलेटिव्स और फ्रेंड्स पर्सनली मुझे कह रहे हैं जो मैं बंगाली में बात करूं। आप क्या कहते हैं, मैं बंगाली में बात करूं या हिंदी में? और ये जो चैनल है मेरा, ये मेरा पुरानिया पुराना एक चैनल, उसमें ही मैं ये मेरा ब्लॉग डाल रही हूँ अभी। तो यही ब्लॉग के लिए क्या मैं दूसरा चैनल एक करूँ? आप बता देंगे कमेंट्स करके। तो चाय बन गई है, अब मैं चाय पीऊँगी और फिर तो रात का खाना बनाऊंगी। तो हाय, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गया मेरे, 5:30 बजे मॉर्निंग हो गया। फिर मैंने नींद से उठी तो मैंने नींबू पानी बनाया और चाय बनाई और मिल्क भी उबल लिया है। और लंच के लिए जो मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे और 9 बजे ऑफिस जाएंगे, तो उसके लिए मैं राइस, मेरा खाने का राइस बन गया और कुछ भाजी बनाई। अब मैं एक रेसिपी बनाएंगे, चिली है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब देखिए, तो मैंने एक बॉयल कर लिया है और एक को मैं शेप में काटूंगी, काट करूंगी। इस तरह मैं एक का शेप दिया है। अब इसको मैं काट लिया है सब। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। मैंने एक छोटा सा स्मॉल सा एक कढ़ाई बैठा दिया है। अब इसमें ऑयल डालूंगी। डीप फ्राई करना पड़ेगा। और मैं इसमें कॉर्नफ्लावर, मैदा और चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक देके और एक देके एक बैटर बनाकर रखा है, उसमें कोट करके मैं एक को फ्राई करूंगी।
पार्ट्स थे ना कि अंदर मेरा हस्बैंड और हस्बैंड के साथ मैं भी लंच या खाना जो भी हो वो खा लेती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना उस दिन मेरा वीडियो में जो मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, तो यही है मेरा लाइफस्टाइल। सुबह मैं हस्बैंड के साथ खा लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, फिर लंच टाइम में थोड़ा बहुत हल्का सा खा लेती हूँ कुछ, फिर इवनिंग में चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी खाने ले लेती हूँ। अभी एक फ्राई बन गया। अभी मैं ये पैन बैठा दिया है, इसमें कुक करूंगी। इसमें जो ऑयल बचा है डाल देती हूँ। मैंने कैप्सिकम और अनियंस डाइस करके काट कर रखा है। पहले अनियंस डाल देती हूँ। फिर इसमें थोड़ा ग्रीन चिली ऐड कर देती हूँ। अब कैप्सिकम को भी डाल देती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा शुगर ऐड कर दूंगी। ताकि इसकी जो ये कैप्सिकम का जो कलर है वो ठीक रहेगा। नमक भी ऐड कर दूंगी। अब इसमें थोड़ा गार्लिक पेस्ट ऐड कर देती हूँ। गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। अब ये सोया सॉस ऐड कर दूंगी। और ये टोमेटो पिज्जा ब्लैक पेपर पाउडर जो है उसको ऐड कर दूंगी। और थोड़ा रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर को ऐड कर। अब इसमें पानी ऐड करती हूँ।
अब ये एक ऐड कर देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे। अब एक कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिए। मेरा चिली एक बन गया है। मेरा चिली एक बन गया है। आप सब तो है। आप खाना खाना है तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। Okay, ta-da.